इंटर प्रेस करना है यहाँ से, ठीक है, वन यूएसबी सेलेक्ट करने के बाद कोई भी यानी कि कोई भी बटन दबा देना है आपने। थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो ये इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट के यूएस है, यानी तो यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल नाउ को क्लिक करना है। थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, हमने यूएसबी ड्राइव सिलेक्ट कर लेनी है, एंटर करना है, F1 डिबाकल स्पेस बार यानी कि डुबा रहे हैं आप, और थोड़ा सा वेट करें। तो दोस्तों ये देखे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएस है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पर हमने की लगानी है। विंडो इंस्टॉल, यहाँ से आपने पार्टीशन सिलेक्ट कर लेनी है, कौन से पार्टीशन में करनी हो। तो मैं 32 GB वाले में कर लूँ। हमने दो विंडो करनी है, एक विंडो 8.1 और एक विंडो 7, ठीक है, 64 बिट और ये 32 बिट पे करनी है। तो इसीलिए हमने दो पार्टीशनों को फॉर्मेट किया है।
इसके बाद हम विंडो 7 करेंगे इसमें, यानी कि डबल विंडो। आप अगर जानना चाहते हैं कैसे चलती है तो अगली वीडियो हमारी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ से हम थोड़ी सी देर के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, ये 100 तक कंप्लीट हो जाएगी, अगली पे स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये अगले खुद बा खुद यानी चंद सेकंड गएंगे अगले हो जाएंगे, तो यहाँ से हम ये स्टार्ट होने लगा है 10 सेकंड के बाद। ये टाइमिंग चल रही है आपके सामने, 1 सेकंड आ गया तो ये लिस्ट स्टार्ट हो गया। तो आपने कोई बटन नहीं दबाना, यहाँ से आपने कोई बटन नहीं दबाना है। तो ये थोड़ा सा वेट हो, एंटर की F1 की एंटर की बोलेगा तो F1 क्लासिकल ने
थोड़ा वेट करते हैं यहाँ। तो व्यूवर्स ये उसके कलर बता रहे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर हमने अपना पीसी नेम देना है, जो कि अभी देते हैं पीसी नेम। यहाँ से आपने पीसी का नाम दे देना है कोई भी, इसको आपने ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। नेट बंद। तो ये ऑफलाइन है, अगर आपने वहाँ से ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जनाब अपनी पीसी का नाम देना है कोई भी दे दें, ठीक है। मेरा नाम बाबर उस्मान है तो मैं यहाँ पे अपने नाम पे ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है तो मैं इस पे पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे आपने हिंट देना है कोई भी दे दे, मैं 78 हिंट दे देता हूँ ताकि आपको पासवर्ड याद रहे। ऐड चला दो। तो ये ऑफलाइन था, ऑनलाइन पे यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी इसकी, प्ले स्टोर की, यानी कि प्ले स्टोर कह रहा हूँ मोबाइल की, विंडो मोबाइल की जो आईडी होती है HTML हॉटमेल की। तो कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा, तब तक के लिए वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। अब ये इसका ऐप स्टोर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आईडी लगाई हो तो ऑनलाइन ऐप स्टोर से आप जिस तरह मोबाइल में जो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में भी आप इसकी आईडी लगा सकते हैं। Installing your app. बत्तीस बिट और 64 बिट का एक ही तरीके का आ रहा है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखें हमारा विंडो ओपन हो चुकी है, आपको बिल्कुल हमेशा की तरह नज़र आ रहा होगा। जैसे आपको पता है विंडो इंस्टॉलिंग के बाद फिर अपने साइकिल भी नोट पर सो होता है चक्र इंटर।